आज हम स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रहीं। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन की के लिए कुछ प्रयास किए गए। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया तथा 1870 में लॉर्ड मियो ने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड तथा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक माना जाता है। ये दो लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1835 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्रीय पंचायतीय राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा एस के डे को इसका मंत्री बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल करने के लिए तथा उसमें जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इसे बलवंत राय मेहता समिति भी कहा गया। बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम तथा ग्राम परिषद के रूप में सिफारिश किए। इसलिए बी.आर. मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 1958 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया, लेकिन भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। पी के थुंगन समिति 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंधवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यसभा मंजूरी नामंजूर कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। तत्पश्चात पंचायत संबंध प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री
पीवी नरसिंह राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा व राज्यसभा में क्रमशः 22-23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। 14 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित हो जाने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायत के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निहर्ताएं, पंचायतों के शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए। इसमें पंचायत के 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था एवं समितियां वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 लोग थे इन समितियों में। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, पी के राव समिति 1985, एल एम सिंधवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988। परीक्षा उपयोगी तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जिला परिषद व मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। एल एम सिंधवी और पी के थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। एल एम सिंधवी और पी के थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद 243(6) कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फॉर्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, कड़ी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, संस्कृति क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय है भी है, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांग व मानसिक मंद व्यक्तियों सहित दुर्बल वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों जनजातियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक
अस्थियों का अनुरक्षण। चलिए शुरू करते हैं। योजना, समय और मूल विषय, मॉडल लक्ष्य। पहली योजना 1951 से 1956, याद रखिएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल। मुख्य मुद्दे कृषि, सिंचाई और बिजली। निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त की गई। दूसरी 1956 से 1961 पीसी महाल नोविस मॉडल। मुख्य मुद्दे भारी उद्योग और चिकित्सा। समाजवादी मॉडल औद्योगिकरण का तीव्र विकास और भारी उद्योग। तीसरी मॉडल 1961 से 1966 सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी। मुख्य मुद्दे खाद्यान्न उद्योग। गाडगिल योजनाओं के नाम से मशहूर है सूखे और पाक चीन के युद्ध के कारण निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल। योजना अवकाश 1966 से 69 तक। योजना अवकाश घोषित तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूरी तरह से असफल होने के कारण था। अब चलिए अगले फेज में चलते हैं। ये हमारा चौथी योजना 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक अशोक रुद्र एलन मैनी डीपी वर्डगिल मॉडल। मुख्य मुद्दे कृषि और सिंचाई, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास। सूखा और बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या के कारण असफल। पांचवी पंचवर्षीय 1974 से 1979 सी सुब्रमण्यम और बाद में डीपी धर के द्वारा पुनर्प्रारूपण। मुख्य मुद्दे प्राथमिक शिक्षा और अंत्योदय कार्यक्रम। काम के बदले अनाज। मूलतः 10 वर्षीय लंबी योजना जो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। रोलिंग प्लान फिर आया 1978 से 1980 तक। 1978 से 1980 मोरारजी देसाई की जनता सरकार रोलिंग प्लान सिस्टम के साथ आई, जिसके मुताबिक प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए और उसी के आधार पर अगले वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाए। छठी 1980 से 1985 गरीबी हटाओ IRDP, NREM, ट्राइसेम इत्यादि। मुद्दे कृषि, उद्योग, ऊर्जा। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1989 प्रणब मुखर्जी डब्ल्यू व्हीलर मॉडल। मुख्य मुद्दे रोजगार पर केंद्रित ज्वार रोजगार योजना की शुरुआत। द्वितीय वार्षिक योजना 1989 से 91। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता, इसलिए केवल वार्षिक योजनाएं। आठवीं 1992 से 1997 मुख्य मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण और मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त। पीवी नरसिंह राव एलपीजी सुधार। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 सन 2002। मुख्य मुद्दे सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास प्राप्त करना। निर्देशात्मक योजना एशियाई वित्तीय संकट की वजह से आई वैश्विक मंदी के कारण पूर्ति की तरफ ध्यान देना के कारण पूरी तरह से असफल हो गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 7। 8% जीडीपी वृद्धि दर, 10 साल में दोगुनी प्रति व्यक्ति आय। मुख्य मुद्दे सामाजिक अवसंरचना का विकास। 11वीं सन 2007 से सन 2012। मुख्य मुद्दे समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन एवं शिक्षा। सी रंगराजन ने निम्न लक्ष्यों के साथ इसका ढांचा बनाया। 8 से 10% वृद्धि दर, 7 करोड़ नई नौकरियां। IMR, CMR,
TFR इत्यादि में कमी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से 1917, मुख्य मुद्दे तीव्र अधिक समावेशी और दीर्घकालीन वृद्धि, लक्षित वृद्धि दर 9% GDP, 4% कृषि और 10% विनिर्माण, 10% निर्धनता में कमी, 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन, IMR 26, MMR 1000, शिशु लिंग अनुपात 950, TFR 2.1 को प्राप्त करना तथा विद्यालय, वन आवरण अवसंरचना, निवेश, ग्रामीण दूरसंचार, घनत्व में औसत वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण शब्दावली। ग्राम राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ग्राम सभा इस अधिसूचित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसका नाम चुनाव नामावली व वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। ग्राम पंचायत समिति ग्राम सभा में निवास करने वाले चुनाव नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों के समूह द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई ग्राम स्तर की स्वायत्त संस्था जिसे संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त है। पंचायती राज और वर्तमान परिदृश्य। राज्य सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से लोकतंत्र की मूल इकाई गांव पंचायतों के सुदृढ़, सशक्त और जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए कृत संकल्प है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत संगठित जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों और गांव पंचायतों का ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इन संस्थाओं को विकास कार्यक्रमों से सीधे संबंध कर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का और अधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्राथमिक पाठशाला भवनों के निर्माण जैसे प्रयासों को पंचायतों के सक्रिय भूमिका दी गई, जिसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार के लिए शौचालय निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं और वृद्धों की सुविधा के अतिरिक्त बनाए जा रहे शौचालय द्वारा गांवों में स्वच्छ वातावरण का भी विस्तार हुआ और दूषित वातावरण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हुई। इसके अतिरिक्त पंचायत राज के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, पंचायत भवनों का निर्माण, हाट बाजार व मेला में सुधार, पंचायत उद्योग कार्यशालाओं का निर्माण, पंचायत उद्योग तकनीकों तथा प्रबंधकीय सहायता, गांव सभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन, गांव सभा स्तर खरंजा एवं नाली निर्माण तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया। थैंक यू। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।